साथियों, झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव चरम पर है। प्रचार की जोरों शोरों से किया जा रहा है। दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर झुंझुनू पहुंचे, जहां झुंझुनू पहुंचने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रबुद्धजनों और खटीक समाज की बैठक ली। साथ ही कहा कि बीजेपी इस बार झुंझुनू विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराएगी। सारे झुंझुनों को मैं आज मैंने दिन भर घूम के देखा है, सब लोगों से बातचीत हुई, हजारों लोगों से मिलना हुआ है। सबके ऊपर एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट राजेंद्र जी भामूसा यहाँ से चुनाव जीते हैं और सातों उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोट यहाँ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से आएंगे और सबसे ज़्यादा वोट उसे जीतेंगे। ऐसा है, कांग्रेस का गढ़ तो हमेशा से ही रही है, पहले भी रही है। जब बीजेपी की देश में दो सीटें आती थी ना, तब भी गढ़ था ये, पर वो गढ़ ढह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केशवरायपाटन पंचायत समिति में करीब 14 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हड़ौती में रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी ही क्षेत्र के विकास का आधार बनेगी। क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए इन सेवाओं के विस्तार पर पूरा फोकस है। साथ ही कहा कि हमें धर्म और नैतिकता का भी कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। खबर जयपुर से है। आमेर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। वाहन चोरी करने और खरीदने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। जानकारी आपको ये जयपुर से हम दे रहे हैं, जहां पर आमेर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 बाइक बरामद की गई है। तीन आरोपी इस दरमियान गिरफ्तार हुए हैं, एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। खबर भरतपुर से है, जहां जॉब रेडीज ने इस प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत नेशनल स्किल डेवलप कॉरपोरेशन की ओर से जॉब रेडीनेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग ने प्रोग्राम को लेकर होटल सूर्य विलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी। भरतपुर कौशल महोत्सव जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय जयंत चौधरी जी का आभार व्यक्त करूंगा आपके माध्यम से। साथ ही आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसका मकसद ये है कि हमें मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो कौशल महोत्सव के तहत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका मकसद रोजगारदाता को, रोजगार जो चाहने वाला है उसको नज़दीक ला करके और उसकी डिमांड के अनुरूप, जो रोजगारदाता कैसा व्यक्ति चाहता है, कैसा युवा चाहता है, उसके अनुरूप NSDC के माध्यम से उसको ट्रेन करके। कोटा के सांगोन में 10 अक्टूबर को हथियार के दम पर ठेके पर हुई लूट के मामले में कनवास पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ ईची और योगेश वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पांच बदमाश हथियार के दम पर सेल्समैन से करीब 10,000 रुपये और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिले के दाऊदसर में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी है। इस दौरान जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 परिवार प्राप्त हुए हैं, जिनको सुनकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण किया। साथ ही श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता जांची। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां हनुमंत कथा में भगदड़ की खबर अफवाह निकली है। कुछ लोगों में मामूली धक्का मुक्की बनी अफवाह का कारण। कथा के दौरान भगदड़ की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। आमजन से अपील करते हुए बोले हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, शरारती तत्वों की ओर से फैलाई गई है भगदड़ की अफवाह। मामूली धक्का मुक्की को
शरारती तत्वों ने भगदड़ बता दिया था। बाबा बागेश्वर धाम द्वारा भीलवाड़ा में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। दोनों दिन शांतिपूर्ण तरीके से कथा का आयोजन संपन्न हुआ है। आज कुछ शरारती तत्वों ने यह अफवाह फैला दी कि कथा के दौरान किसी तरह का कोई भगदड़ मच गया, लेकिन मैं आमजन से यह अपील करना चाहूँगा कि यह कोरी अफवाह है। किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं मची है, पूर्णतः कथा के अंदर शांति है। और जिस शरारती तत्वों ने इस तरह की अफवाह फैलाई है, जो अफवाह फैला करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम खबर करौली से है, जहां शिव अशोका पैराडाइज में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व 2024 मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि हमारे लिए संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर ही केंद्र में फिर से सरकार बनाई है। आंतरिक लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी समाजों के लोग एक ही विचारधारा को लेकर चलते हैं। खैरथल तिजारा में शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने 12 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तबादले, पदोन्नति, उपजाति, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थापन हेतु आयोजित हुई परीक्षा का जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की गई है। आज शिक्षक संघ रजिस्ट्रार द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा और शिक्षा सचिव महोदय के नाम शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान शिवपाल जी जाट खैरथल तिजारा को शिक्षकों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया है। विभिन्न मांगों में प्राचार्य उपप्राचार्य के 50% पदों पर। जयपुर से खबर है, जहां बगरू थाना पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 18.04 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास स्थित रेस्टोरेंट में स्मैक सप्लाई करने की बात सामने आई। जयपुर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, तो तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ भी जारी है। और सीबीएसई की टीम के सितंबर माह में निरीक्षण के बाद अब एक्शन। राजस्थान और दिल्ली की 27 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। राजस्थान के 5 स्कूलों पर लिया गया है एक्शन, 5 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। तो बड़ा एक्शन यहां लिया गया है, 2 सीकर और 3 कोटा जिले के स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, राजस्थान और दिल्ली के 27 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। बिना उपस्थिति के सिर्फ कागजों में ये स्कूल चल रहे थे, बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 सीकर, 3 कोटा जिले के स्कूल की मान्यता रद्द की गई है।